नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जागो जनमत जागो। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत मतदाताओं के पास होती है और मतदाताओं को जागरूक करने की इस मुहिम में आज हम बात कर रहे हैं बदायूं के सहसवान विधानसभा की। इस सीट से समाजवादी पार्टी के नेता ओमकार सिंह यादव विधायक हैं, जिनका प्रदेश सरकार में ग्राम्य विकास राज्य मंत्री की भी जिम्मेदारी मिली हुई है। अपने अब तक के कार्यकाल में उन्होंने अपने कितने वादों को पूरा किया और कितने वादे अधूरे रह गए? क्या ओमकार सिंह यादव स्थानीय जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे? अगले आधे घंटे में हम उनके सभी दावों और वादों की करेंगे पूरी पड़ताल और साथ ही जानेंगे सहसवान विधानसभा का सूरते हाल। इसके लिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता विपिन यादव के पास। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम जागो जनमत जागो में। आज हम बात करेंगे जनपद बदायूं के 113 विधानसभा सहसवान की। हमारे पास इस समय खड़े हुए 113 विधानसभा क्षेत्र के गणमान्य एवं सम्मान व्यक्ति तथा ग्रामीण, इन लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या धरातल पर क्या विकास कार्य विधायक द्वारा हुए हैं। तब तक एक पेश है खास रिपोर्ट। जागो जनमत जागो में आज हम बात कर रहे हैं बदायूं की सहसवान विधानसभा की। इस सीट में कुल 3,53,691 मतदाता हैं। 2012 की विधानसभा चुनाव में इस सीट से एसपी नेता ओंकार सिंह यादव विधायक चुने गए। उन्होंने बीएसपी उम्मीदवार मीर हादी अली को हराकर जीत दर्ज की। ओंकार सिंह यादव को कुल 72,946 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे मीर हादी अली को 65,919 वोट ही मिल सके। इस तरह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ओंकार सिंह यादव बीएसपी प्रत्याशी मीर हादी अली को कुल 7,027 मतों से हराकर विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। लेकिन स्थानीय जनता का आरोप है कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सहसवान विधानसभा में आज भी समस्याओं की कोई कमी नहीं है। बिजली पानी की समस्या जहां मुसीबत का सबब बन चुकी है, तो वहीं बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो वहीं जलभराव की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी तरह चरमराई हुई हैं, सड़कों का भी बुरा हाल है। महिलाओं की सुरक्षा जहां भगवान भरोसे, तो वहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां सहसवान में आज भी लोगों को तरह तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, लोगों को जीवन यापन के लिए जरूरी सुविधाएं आज भी नहीं मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय विधायक, जिन्हें ना तो लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना है ना ही मूलभूत सुविधाओं से, ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में जनता ओंकार सिंह यादव को एक और मौका देगी या फिर किसी दूसरे प्रत्याशी पर भरोसा जताएगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि सहसवान में मूलभूत सुविधाओं का बुरा हाल है। विपिन यादव, इंडिया वॉइस, बदायूं। स्वागत है आपका बदायूं की विधानसभा 113 सहसवान में। हमारे साथ इस समय मौजूद है गणमान्य व्यक्ति, इन लोगों से बात करेंगे। यहाँ के जो विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक ओंकार सिंह यादव हैं और वह इस मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया है उनको, और वह राज्य मंत्री हैं। हम बातचीत करते हैं लोगों से। सुभाष जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं 113 विधानसभा की, यहाँ पर कितना विकास कार्य हुआ है और क्या क्या विकास कार्य ऐसा छूट गया है जो अभी तक नहीं हो पाया? सड़कें जो बनी तो है विकास हुआ, मगर सड़कें बनने से पहले तो लोहिया गांव की अगर बात की, ये लोहिया ग्राम में इस समय खड़े हुए हैं, देवमा गांव जो लोहिया ग्राम है, यहाँ कितने लोहिया आवास बने होंगे और कितना विकास कार्य होगा? अभी कोई लोहिया आवास नहीं बना है। साफ तरीके से कहना है कि लोहिया
गांव जरूर चयनित कर दिया गया, लेकिन कोई भी किसी तरीके का विकास कार्य यहां पर नहीं। और भी हमारे साथ तमाम लोग हमारे मौजूद हैं, और भी हम बात करेंगे। और जी जैसा कि हम बात करें 113 विधानसभा सहजवान की, क्या विकास कार्य यहां पर विधायक द्वारा हुआ है? जैसे अभी लोहिया ग्राम की बात की जा रही है, इसमें कार्य जो भी चल रहा है, बाकी लोग अभी जवाब देंगे आपको, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी डिमेरिट है वो ये है कि जो लोहिया आवास का आवंटन है वो तमाम अपात्रों को दी जा रही, पात्र एक भी लाभान्वित नहीं है। इस पर आप बात कीजिए कि जो गरीब है उसको कोई हक नहीं मिल रहा है, और जो लोग समृद्ध हैं, जो हर तरह से सामर्थ्यवान है, केवल सामर्थ्यवान लोगों को लोहिया आवास आवंटन। तो इन लोगों का साफ कहना है कि लोहिया गांव में लोहिया आवास भी आए हुए हैं, लेकिन पात्रों को चयनित न किया गया है, उसमें अपात्रों को चयनित कर दिया गया है। और भी लोग हमारे साथ समाजवादी बसपा और बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ बीजेपी के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम लोग हम आपसे बात करते हैं। राजकुमार जी, बात हो रही है विकास कार्यों की, और खास करके लोहिया ये गाँव है, लोहिया गाँव में बात की जा रही है अपात्रों को चयन किया गया है, पात्रों को चयन नहीं किया गया, क्या कहेंगे आप? हमारे गाँव में पात्र का ही चयन हुआ है, लेकिन कुछ को पैसा नहीं मिल पाया है, और दो तीनों को नहीं मिल पाया और सबसे बंद चुके। बात एक गांव की नहीं हो रही है यादव जी, खास करके बात पूरे विधानसभा की हो रही है, खास करके देगवा की बात हो रही है, पूरे 113 विधानसभा सुरक्षा सीट जो है उसकी पूरी बात, कितना लोगों को लाभ हुआ होगा? काफी लोगों लाभ तो हुआ है। नहीं, इनका कहने का मतलब यह है कि विकास कार्य हुए हैं, धरातल पे आए, लेकिन जैसे सड़कों की बात हो रही है, सड़कें बनी है, सड़कें बनने से पहले उखड़ती जा रही है। जी हाँ, उखड़ती जा रही है। तो साफ तरीके से कहना है कि विकास कार्य हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। महिपाल जी, खास करके बात हो रही है विकास कार्य की, विकास कार्य में विधायक यहाँ पर ओमकार सिंह यादव है, अगर बात कही जाए विकास कार्य में तो 10 में से आप कितने नंबर देंगे उनके लिए? विधायक जी ने यहाँ पर हमारी नजर से तो कोई काम नहीं किया, लेकिन डीपी यादव ने आप इस क्षेत्र में इतना काम किया, इस देहगांव में इतना काम किया है, वो किसी ने? डीपी यादव यहाँ से पूर्व विधायक थे जी, पहले पीछे पंचायत पिछली पंचवर्षीय उन्होंने विकास कार्य कराया है, इस उन्होंने कई सड़कें डलवाई हैं, अभी मेरी तरफ याद है। इस पंचवर्षीय में मैं बात कर रहा हूँ विधायक ओमकार सिंह यादव की, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, यहाँ से विधायक हैं, राज्य मंत्री हैं, और उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, उनको अगर 10 में से नंबर मैं देने की बात कहूँ तो कितने नंबर उनके विकास कार्य पर आप देंगे? जी छोटी छोटी कुछ सड़कें डलवा जी, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने का कहने का तात्पर्य ये है कि 10 में से नंबर आप कितने देंगे विकास कार्य को? 0 5 नंबर, ये 5 नंबर देंगे उनके विकास कार्य को। और भी लोग मेरे साथ मौजूद है। अरे जी, बात हो रही है विकास कार्य की जी, विधायक ओमकार सिंह यादव राज्य मंत्री है, समाजवादी पार्टी में कद्दावर नेता है, और लगातार विधायक भी यहाँ से भी रहे हैं, और लगातार उनका काफी कद ऊंचा रहा है। मैं 10 में से अगर नंबर लेना चाहूँ समाजवादी पार्टी के ओमकार सिंह यादव, कितने नंबर देंगे आप? 3 नंबर। लोगों का कहना है संतुष्ट नहीं है लोग, धरातल पे कार्य नहीं हो पाया, इससे मुझे संतुष्ट लोग दिखाई दे रहे हैं। राम प्रकाश शाक्य जी मेरे साथ हैं, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ विकास कार्यों की, कितना विकास कार्य हुआ आपके विधानसभा क्षेत्र? हमारे गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। विधायक जी आते हैं आपके यहाँ? नहीं, हमारे गाँव लोहिया में चयनित हुआ है, लेकिन कुछ अपात्र लोगों को ही कमरे लिखे गए, और जो पात्र हैं उन्हें नहीं लिखे। तो आपका गाँव लोहिया है, लोहिया ग्रामों में इस तरीके की तमाम सामना करना पड़ रहा है मुसीबतों का, और तमाम लोग मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। में बनी है और आधे में नहीं मिली। शौचालय? हाँ, शौचालय। कितने लोगों को बने होंगे? लगभग बने होंगे 70-80 लोगों के। आपके यहाँ की आबादी कितनी होगी लगभग? 1250 वोटर संख्या। वोटर कितने? कौन किस किस बिरादरी के? किस किस बिरादरी के और लोग हैं? कश्यप है, यादव है। अच्छा, सब समाज के लोग? हर समाज के। तो फिर भी विकास कार्य नहीं हो पाया? नहीं, कोई विकास नहीं। तो साफ तरीके से कहना है कि विकास कार्य यहाँ नहीं हो पाया है। पीला ईंट लगी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ। विधायक के कार्य से यहाँ लोग संतुष्ट हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, और भी लोग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं कुरेशी आर्य। कुरेशी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ 113 विधानसभा समाजवादी पार्टी के ओमकार सिंह जो विधायक हैं, उनके विकास कार्यों के बारे में, कितना विकास कार्य कराए? विकास सर हो रहा है, जैसे आ रहा है सही हो रहा है, विकास सही हो रहा है। विधायक जी की जो भी सड़कें हैं गाँव में, सबने सीसी रोड करा दिया है। अगर बात की जाए जनता के बीच में समय देने की, तो कितना समय दे पाती है जनता को? कहाँ मिलते हैं जनता को? मिलते हैं, सेहतमंद मिलते हैं, और यहाँ भी अपने गांव में सिंगाला भी मिलते हैं, उस्मानपुर भी मिलते हैं जी, मिलते हैं।
तो सभी प्रकार के लोग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, पक्ष विपक्ष अपनी 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 बात कर रहे हैं। सुनील जी, बात हो रही है 113 विधानसभा के समाजवादी पार्टी ओमकार सिंह यादव के विकास कार्य की। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि लोगों का कहना है कि जो लोही आवास है वो पात्रों को नहीं दिए गए हैं, आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा ऐसा क्यों? लोही आवास जो आए हुए हैं वो लोगों को मिले हुए हैं, अधिकांश बात यह है कि 25 लोही आवास गांव के लिए दिए गए हैं। अब गांव में 25 लोगों को मिलेंगे, जो अदर नहीं मिलेंगे जिन लोगों को, वो तो लोग कहेंगे कि इन्हें नहीं मिला है। नहीं, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन पात्र अपात्र का अभी तो थोड़ा ध्यान रखा जाता है। नहीं, पात्र लोगों को मिले, अपात्रों को क्यों मिलेंगे? नहीं, लोगों का कहना है कि अपात्रों को, जैसे अभी आपके सामने कह रहे थे वो कि भैया अपात्रों को चयन किए गए। जो लोगों से आपने बात की थी उसमें तो एक बीजेपी कैंडिडेट मौजूद है, प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी हैं, दूसरे माननीय डीपी यादव जी के प्रतिनिधि हैं, वो लोग तो अपना पक्ष रखेंगे रखेंगे। नहीं, बिल्कुल, हम सभी लोगों को यहाँ पे रखे हुए हैं, सभी लोगों से बात कर रहे हैं, तभी तो हम आपसे कह रहे हैं। अच्छा, बात की जाए समाजवादी पार्टी के ओमकार सिंह की, तो कहाँ मिलते हैं, कितना समय जनता के बीच में दे पाते हैं? यहाँ जहाँ आप खड़े हुए हैं वहाँ से उनका 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर गाँव देवसंगवाला वहाँ मिलते हैं, उसके बाद बराबर में उस्मानपुर गेस्ट हाउस है वहाँ 5 किलोमीटर वहाँ मिलते हैं, उसके बाद सेहतमान मिलते हैं, फिर बदायूं मिलते हैं, जगह जगह पर उनके ठियाँ मिलने सब जगह मिलते हैं, रास्ते मिल जाते हैं, कॉलेज है उनका बराबर डीबी इंटर कॉलेज, वहाँ बैठते हैं। तो तमाम लोग और मेरे साथ हैं, इनका कहना है कि विधायक जी आते भी हैं और लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं और लोग मेरे साथ